ओके तो राइट गाइस दोस्तों, जो आपने भी स्टेटस प्रीव्यू में देखा है, जैसे कि दोस्तों ये स्टेटस बहुत ही ज़्यादा ये सॉन्ग ट्रेंड कर रहा है इस समय। तो दोस्तों आज हम इस तरीका से स्टेटस बनाने वाले हैं, बहुत ही धमाकेदार। तो दोस्तों इस तरीका से स्टेटस बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है जिसका नाम है अलाइट मोशन। आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तो दोस्तों आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इसका मोड वर्जन चाहिए तो दोस्तों हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो दोस्तों आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो में जो भी फोटो और वीडियो क्लिप होने वाला है तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको टेलीग्राम का नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो दोस्तों आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। और दोस्तों आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आती है तो दोस्तों आपको टेलीग्राम को ओपन करके उसमें सर्च कर देना है आरजेपी एडिटिंग, तो दोस्तों वहां से भी आ जाएगा। तो दोस्तों आपको ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम का। और दोस्तों हमारे वीडियो में पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों आपको क्या करना होगा, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक सॉन्ग बीट मारा और दूसरा सेक इफेक्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको सबसे पहले सॉन्ग बीट मारा और दूसरा सेक इफेक्ट को ओपन कर लेना है। आप उस पर क्लिक कर दोगे तो डायरेक्टली अलाइट मोशन में इनपुट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको सबसे पहले अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करना। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको एक सॉन्ग बीट मारा और दूसरा सेक इफेक्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको सबसे पहले सॉन्ग बीट मार पर क्लिक कर देना। सॉन्ग बीट मार पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीका से इंटरफेस खुल जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीका से इंटरफेस खुलने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इस तरीका से आ जाना है 2.3 पे। 2.3 पे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दो ग्रुप और एक लेयर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आपको इस पर फोटो को ऐड करना है। तो फोटो को ऐसे ऐड करना मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको वीडियो को कंटिन्यू देखना है और ध्यान से देखना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, वरना आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा और दोस्तों आपका स्टेटस खराब हो जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो को अच्छे से देखना है। तो दोस्तों यहाँ पर फोटो को ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले ग्रुप 1 पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको एडिट ग्रुप पर क्लिक कर देना है। एडिट ग्रुप पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपको दो लेयर मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपको इमेज के लेयर पर क्लिक कर देना। कलर फील्ड पर क्लिक करके स्टार के ऊपर क्लिक कर दोगे तो दोस्तों आपको कुछ इस तरीका से इंटरफेस खुल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करके अपने फोल्डर को सेलेक्ट कर लेना। आप जिस भी फोल्डर में फोटो को रखें तो दोस्तों फोल्डर को सेलेक्ट करने के बाद आपकी सारी फोटो ओपन हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको कोई भी एक फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आपकी फोटो ऐड हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना। बैक आ जाने के बाद दोस्तों आपको फिर से वहीं पर आ जाना और इस बार ग्रुप 2 पर क्लिक करना है। ग्रुप 2 पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एडिट ग्रुप पर क्लिक कर देना। इमेज के लेयर पर क्लिक करना। कलर स्वीप पर क्लिक करके स्टार के ऑप्शन पर क्लिक करके फिर से वही वाली फोटो को सेलेक्ट कर लेना। आप जो ग्रुप 1 में फोटो को सेलेक्ट कर ले हैं तो दोस्तों आपको फिर से वही वाली फोटो को ऐड करना है। आपको ध्यान से वही वाली फोटो को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों को प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपकी फोटो ऐड हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों फिर से बैक आ जाना। बैक आ जाने के बाद दोस्तों आपको इस बार इस नीचे रजनीश एमपीटेक्नो जहाँ पर लिखा है तो दोस्तों आपको उस वाले लेयर पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको कलर स्वीप पर क्लिक करके स्टार के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको कोई भी एक फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों इस तरीका से यहाँ पर आपकी फोटो ऐड हो जाएगी इजीली। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, एक बार बैक आ जाना। बैक आ जाने के बाद दोस्तों आपको सेक इफेक्ट पर क्लिक कर देना है। सेक इफेक्ट पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत सारे लेयर दिखाई दे रहे होंगे। तो दोस्तों आपको इन सभी लेयर को कॉपी करना है। तो दोस्तों इन सभी लेयर को कॉपी करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको सेलेक्ट लेयर पर क्लिक करके यहाँ से जो 2 HDR कलर है तो दोस्तों इसको अनटिक कर लेना। अनटिक कर लेने के बाद दोस्तों आपको फिर से यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको कॉपी 46 लेयर पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों आपका सारा लेयर कॉपी हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना। बैक आ जाने के बाद सॉन्ग बीट मार्क पर क्लिक कर देना। सॉन्ग बीट मार्क पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक बार तीर के आइकन पर क्लिक कर देना और दोस्तों सभी लेयर को पेस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों को पेस्ट 46 लेयर पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों आपका सारा लेयर ऐड हो जाएगा अपने बीट के हिसाब से। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं हमारा सभी लेयर अपने बीट के हिसाब से ऐड हो चुका है। तो दोस्तों आपको भी इसी तरीका से सभी बीट के हिसाब से लेयर को पेस्ट कर लेना। पेस्ट कर लेने के बाद दोस्तों आपको इन सभी लेयर पर फोटो को ऐड करना है। तो दोस्तों फोटो कैसे ऐड करना मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों फोटो को ऐड करने के लिए आपको इस तरीका से फर्स्ट में आना और दोस्तों आपको लेयर पर क्लिक करना। कलर फील्ड पर क्लिक करके स्टार के ऑप्शन पर क्लिक करके कोई भी एक फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। फिर से आपको नेक्स्ट लेयर पर क्लिक करना। कलर फील्ड पर क्लिक करके स्टार के ऑप्शन पर क्लिक करके फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। फिर से आपको नेक्स्ट लेयर पर क्लिक करना। कलर फील्ड पर क्लिक करके स्टार के ऑप्शन पर क्लिक करके फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। फिर से आपको नेक्स्ट लेयर पर क्लिक करना। कलर फील्ड पर क्लिक करके स्टार के ऑप्शन पर क्लिक करके कोई फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। फिर से आपको स्क्रॉल डाउन करके आगे को आ जाना है। नेक्स्ट लेयर पर क्लिक करना। कलर फील्ड पर क्लिक करके स्टार के ऑप्शन पर क्लिक करके फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। फिर से आपको नेक्स्ट लेयर पर क्लिक करना। कलर फील्ड पर क्लिक करके स्टार के ऑप्शन पर क्लिक करके फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी फोटो ऐड हो जाएगी इफेक्ट के साथ। तो दोस्तों आपको इसी तरीके से जितने भी लेयर दिखाई दे रहे हैं तो दोस्तों आपको इन सभी लेयर पर फोटो को ऐड कर लेना इजीली। इन सभी लेयर पर आपकी फोटो ऐड हो जाएगी। आपको इन पर इफेक्ट को क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको फोटो को ऐड करना है। जैसे कि दोस्तों मैं सभी लेयर पर फोटो को ऐड करके नहीं बता सकता क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं 2-4 ही लेयर पर फोटो को ऐड करके बता रहा हूँ। तो दोस्तों आपको भी इसी तरीके से सिंपल क्रिया करके के सभी लेयर पर फोटो को ऐड कर लेना। फोटो को ऐड कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आ जाना है 20.9 पे। 20.9 पे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक वीडियो क्लिप को ऐड करना है। तो दोस्तों वीडियो क्लिप को ऐड करने के लिए आपको प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। इसके बाद दोस्तों आपको मीडिया पर क्लिक करना है। मीडिया पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इस बॉक्स के नीचे क्लिक कर देना। तो दोस्तों आपका सारा फोल्डर ओपन हो जाएगा। दोस्तों आप जिस भी फोल्डर में हमारे टेलीग्राम से वीडियो क्लिप को डाउनलोड करके रखे होंगे तो दोस्तों आप उस फोल्डर को सेलेक्ट कर लीजिएगा। फोल्डर को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों ये रहा वीडियो क्लिप 6 सेकंड का। तो दोस्तों आपको वीडियो क्लिप को सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद दोस्तों आपको एक बार तीर के आइकन पर क्लिक कर देना और बचे हुए भाग को कट कर देना। तो दोस्तों इस तरीके से आपका वीडियो क्लिप ऐड हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, फिर से आपको एक बार बैक आ जाना। बैक आ जाने के बाद दोस्तों आपको सेक इफेक्ट पर क्लिक कर देना। सेक इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इस तरीका से 2 HDR कलर का लेयर मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपको इनको कॉपी करना है। तो दोस्तों इनको कॉपी करने के लिए आपको यहाँ पर टैप करके रखना है। इसके बाद दोस्तों सही टिक लग जाएगा। तो दोस्तों आपको दोनों को लगा लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करके कॉपी टू लेयर पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों आपका दोनों HDR कलर कॉपी हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना। बैक आ जाने के बाद दोस्तों आपको सॉन्ग बीटमार्क पर क्लिक कर देना। सॉन्ग बीटमार्क पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक बार तीर के आइकन पर क्लिक कर देना। उन दोनों HDR कलर को पेस्ट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद दोस्तों इसका जो कलर आइकन है जो बंद है तो दोस्तों आपको यहाँ से इस तरीके से चालू कर लेना। तो दोस्तों ये HDR कलर आपके वीडियो में ऐड हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका वीडियो स्टेटस कंप्लीट हो जाएगा, बनके रेडी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको एक्सपोर्ट करना है। तो दोस्तों एक्सपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों आपको भी कोई डीजे स्टेटस बनवाना है अपने मनपसंद, तो दोस्तों आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर से न्यू धमाकेदार वीडियो एडिटिंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार।